करते जा रहे हैं। आइए मैं जानना चाहता हूँ, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो मेरे साथ मौजूद है, बने ठाकुर जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमेशा प्रदर्शन करते रहे, क्या मामला है, किस तरीके का मामला है आज जो अलीगढ़ में आप जो इस तरीके? मैं आपको पहले बता दूं, ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति हमेशा सच्चाई की आवाज उठाने का काम करती है और सच्चाई की आवाज उठाने वाली महिला मोर्चा नारी शक्ति प्रदेश अध्यक्ष, मैं नहीं कह सकता, माइक के माध्यम से उनके कपड़े तक फाड़ दिए, उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए हाथ किए तो हाथ में कैंची घुस गई, जिसमें थाना बन्ना देवी के इंस्पेक्टर महोदय ने उनकी डॉक्टरी कराई, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। 354B 452 सहित 5-6 धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अभी तक पुलिस ने क्यों अरेस्टिंग नहीं की है हम ये नहीं जान पा रहे। हम ये जानना चाहते हैं आज के ऐसे गुंडों की, दबंगों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई, क्या कर रहे हैं ऐसा? राहुल साहब, जिस तरीके से आप जो है इनके साथ हमला बुलाया, हमलावरों ने गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या प्रदर्शन जब कर रहे जा रहे हैं? प्रदर्शन नहीं करने जा रहे, हम शांतिपूर्ण तरीके से जिले के जो माले के मुखिया हैं, हमारे पुलिस के मुखिया हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़, उनके समक्ष अपनी बात रखने जा रहे हैं कि ऐसे गुंडों को, अपराधियों को आपने जेल के अंदर नहीं डाला तो आने वाले समय में कोई और बड़ी घटना को अंजाम देने का काम करेंगे वो। मंजू शुक्ला जी, आप भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके घर पर आपकी बेटी और आप पर कातलाना हमला बोला गया, घर में घुसकर मेरे ऊपर हमला हुआ था 1 तारीख को। अच्छा, हाँ 1 तारीख को मेरे पास एक फोन आया था कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चला कि ये लोग आ रहे हैं, हमारा संगठन में ये पहले ये लोग थे, मुद्दा कोई ऐसा नहीं है, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला इसलिए किया क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कौन लोग हैं वो, हमला करने वाले कौन लोग हैं? सज्जन है। अच्छा, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, ये ऐसे हैं, कुछ उसमें अलीगढ़ के भी शामिल हैं और कुछ लोग बुलंदशहर के हैं, खुर्जा के हैं। अच्छा, और गवाने के हैं वो लोग, और हमें पता था कि ये लोग ऐसा करते हैं तो हम अपने इंतजाम करते हैं जैसे भी, और पुलिस को सूचना दे। जो है ASP साहब से मिले हैं आप और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? ASP साहब हमारे अभी मिले थे, उनसे हमने मुलाकात किए, उनके साथ में इंस्पेक्टर साहब भी थे और हमारे बन्ना देवी के जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने 1 हफ्ते का हमें आश्वासन दिया है, हमें 1 हफ्ते का समय दे दो और आप उधरना मत दो, 1 हफ्ते के अंदर हम निश्चित उनको पकड़ दिल भेजने काम करेंगे। आश्वासन पर हमने कोई धरना नहीं दिया है और अपनी बात उनको रख कर हम वहाँ से बाहर आ गए और 1 हफ्ते बाद कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल भेजने का काम नहीं करते अपराधियों को, तो भारतीय किसान महाशक्ति अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेगी, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कोई लिखे